हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एसी सर्किट्स ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस स्टडी करेंगे और ये आज एसी सर्किट का थर्ड लेक्चर है। तो देखिए, जो आज हमें बेसिक एसी सर्किट स्टडी करना है वो आपके सामने है। यहाँ पे हम आज तीन पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, देन आफ्टर हम स्टडी करेंगे एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस और लास्ट में हम स्टडी करेंगे एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, देखो प्योर, देखो यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस है। ये सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्योर इंडक्टेंस है और यहाँ पे भी ओनली प्योर कैपेसिटेंस है। इसका मतलब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस रहेगा या तो सर्किट में ओनली इंडक्टेंस रहेगा या तो ओनली कैपेसिटेंस रहेगा। ऐसे कंडीशन में जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं तो अल्टरनेटिंग जो करंट फ्लो होगा उसका क्या फॉर्म होगा, वो किस तरह से फ्लो होगा, कहां पे लैगिंग करेगा, कहां पे लीडिंग करेगा, वो यहां पे समझना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं प्योर फॉर्म में तो फिर आगे चल के जो हमें सीरीज एसी सर्किट स्टडी करना है, जिसमें सीरीज आरएल सर्किट होता है, सीरीज आरसी सर्किट होता है, सीरीज आरएलसी सर्किट होता है, वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, इसका ये पूरा बेसिक आपको पहले समझना पड़ेगा। लेकिन ये बेसिक समझने के पहले आज जो हम ये स्टडी कर रहे हैं ये आज थर्ड लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी हमने एसी सर्किट्स के दो लेक्चर्स आपको दिए थे, तो इसके पहले जो दो लेक्चर्स दिए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। वो अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं तो आप वो यहां से स्टडी कर लीजिएगा। देखिए, ये है वो दो लेक्चर्स जो हमने इसके पहले आपको दिए थे। उसमें पहले लेक्चर में हमने स्टडी किए थे जनरेशन ऑफ एसी, इसका मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, उसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट क्या फ्लो होता है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किए थे, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और सेकंड लेक्चर में हमने जितने भी एसी सर्किट्स में यूज होने वाले छोटे मोटे डेफिनेशंस है उसको हमने स्टडी किए थे, जैसे फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साइकिल क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, क्रिस्ट फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, ये आपको सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा। तो ये दोनों लेक्चर्स इसके पहले के आपको जरूर स्टडी कर लेना चाहिए, इससे आपका एसी सर्किट्स का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये दोनों लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलो आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हमने जैसा कहा आज हमें बेसिक एसी सर्किट स्टडी करना है, जिसमें एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस स्टडी करना है। ठीक है, तो चलो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। देखो, एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस में यहां पे आप प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं जो सर्किट दिया है, जो सर्किट दिया है उसमें देखो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल आर और उसका यूनिट रहेगा ओम। और ये सर्किट में जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो वोल्टेज अप्लाई किया है ये एसी वोल्टेज अप्लाई किया है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहां पे अप्लाई किया है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये इक्वेशन है V इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। वी माने वोल्टेज, वी एम माने मैक्सिमम वोल्टेज, ओमेगा माने एंगुलर वेलोसिटी, टी माने टाइम। तो ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन कैसे बना वो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, जैसा हमने कहा था वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आपको जनरेशन ऑफ एसी इट मीन्स ये वोल्टेज का इक्वेशन कैसे बनता है वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो यहां पे प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो भी अल्टरनेटिंग फॉर्म में रहेगा। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन ये रहेगा, करंट I इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। I माने करंट, आई एम माने मैक्सिमम करंट, ओमेगा माने वही एंगुलर वेलोसिटी जो इसके पहले कहा था, और टी माने टाइम। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो सकता है कि इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर रेजिस्टेंस, देन द रिजल्टिंग करंट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग एंड इट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या कहा, द रिजल्टिंग करंट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग एंड इट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। करंट वोल्टेज के फेज में रहेगा, जब कभी भी करंट प्योर रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा तो करंट वोल्टेज के फेज में रहेगा, फेज में रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पे हम वर्ड लिख के दे देते हैं, क्या कहा, फेज में रहेगा, करंट वोल्टेज के फेज में रहेगा, तो हम यहां पे लिखते हैं फेज में रहेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे उल्टा भी कह सकते हैं, जैसा हमने कहा करंट वोल्टेज के फेज में रहेगा, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट के फेज में रहेगा, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके थ्रू आपको स्टेटमेंट बता दिए। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसके वजह से ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। तो अगर आपको करंट आई एम फाइंड आउट करना है तो आई एम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ऐसा रहेगा, वी एम बाय आर, वी एम माने मैक्सिमम वोल्टेज, आर माने रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो वोल्टेज है यहां पर कहीं पर भी फेज एंगल नहीं है, तो वोल्टेज का यहां पे फॉर्म यहां पे ऐसा रहेगा, वीएम एट एन एंगल ऑफ जीरो।
ठीक है। Vm माने मैक्सिमम वोल्टेज, जो जीरो है वो जीरो डिग्री, इट मींस यहां पे फेज एंगल, लेकिन यहां पे कोई भी टाइप का फेज एंगल नहीं है इसलिए जीरो। और यहां पे जो करंट है वो ये फॉर्म में है, करंट Im, दैट इज Im एट एन एंगल ऑफ जीरो, मैक्सिमम करंट और उसका फेज एंगल जीरो, वोल्टेज और करंट दोनों एक मेक के फेज में है, ठीक है। तो यहां पे इसके थ्रू अगर इसका वेवफॉर्म अगर हम ड्रॉ करें तो देखो वेवफॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, देखो अगेंस्ट यहां पे थीटा, दैट इज यहां पे हमने जो लिया है ओनली थीटा लिया है, दैट इज ओमेगा टी। तो ये वेवफॉर्म हमने यहां पे ड्रॉ किया है, वेवफॉर्म में यहां पे आप दो वेवफॉर्म देख सकते हैं। पहला जो वेवफॉर्म है देखो, जो डार्क लाइन वाला जो वेवफॉर्म है वो वोल्टेज का वेवफॉर्म है, ठीक है। और जो डॉटेड लाइन वाला जो वेवफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है वो करंट का वेवफॉर्म है, ठीक है। ये करंट का है, देखो ये वोल्टेज का वेवफॉर्म और ये करंट का वेवफॉर्म, और ये जीरो डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहां पे जीरो डिग्री है, ये जीरो डिग्री, देन ये 180 डिग्री और यहां पे टोटल 360 डिग्री, ठीक है। इट मीन जीरो पाई और यहां पे टू पाई, ठीक है। तो अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे, वोल्टेज का वेवफॉर्म और करंट का वेवफॉर्म दोनों का जनरेशन एक साथ हो रहा है, और दोनों अपना जो ये साइनोसाइडियल वेवफॉर्म है ये दोनों एक ही साथ दोनों यहां पे अपना वेवफॉर्म कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब वोल्टेज और करंट दोनों एक मेक के फेज में है। तो ये हो गया वेवफॉर्म। और अगर आप इसके लिए यहां पे फेज डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो देखो फेज डायग्राम हम कुछ ऐसा ले सकते हैं। फेज डायग्राम के टाइम आपको हमेशा या तो वोल्टेज को या तो करंट को रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लेना होता है। रेफरेंस एक्सिस इट मींस एक्स एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। तो ये देखो यहां पे हमने वोल्टेज को हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिया है, इट मींस Vm को, ठीक है। तो ये वोल्टेज को रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिया है, और जैसा हमने कहा था करंट यहां पे वोल्टेज के फेज में है। तो देखो वोल्टेज के फेज में यहां पे हमने करंट शो किया है, करंट Im, ये मैक्सिमम वोल्टेज, ये मैक्सिमम करंट। तो ये है फेज डायग्राम। वेवफॉर्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप बिना वेवफॉर्म के ये देख के ऐसा कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट के फेज में है, या उल्टा बोलो करंट वोल्टेज के फेज में है। और ये फेज में कब होता है? फेज में कब होता है? जब कभी भी रेजिस्टेंस प्योर फॉर्म में हो। अगर रेजिस्टेंस प्योर फॉर्म में है, प्योर रेजिस्टेंस में अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट जो प्योर रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा वही वोल्टेज के फेज में रहेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह समझ गए। तो यह हो गया एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, और अब स्टडी करते हैं एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्किट में, देखो ये सर्किट आपके सामने है एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस। यहां पे भी देखो वर्ड है प्योर, इसका मतलब सर्किट में ओनली इंडक्टेंस रहेगा। तो देखो इंडक्टेंस, ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्किट में यहां पे एक कॉइल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कॉइल का इंडक्टेंस है एल और इसका यूनिट है एच, एच माने हेनरी, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग देखो ये सर्किट में जो प्योर इंडक्टेंस है उसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करना है वी इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, जैसा हमने यहां अप्लाई किए थे। तो यहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो भी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, वो करंट रहेगा आई, और आई का इक्वेशन ये है। लेकिन करंट जब ये प्योर इंडक्टेंस में से फ्लो होता है तो ये करंट वोल्टेज को लैग करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट मींस पाई बाय टू, ठीक है। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या रहेगा, देखो स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं। स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर इंडक्टेंस, देन द रिजल्टिंग करंट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग एंड इट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो अभी हमने कहा था। तो इसके लिए हमने जो वर्ड यूज किए वो है लैग्स। देखो यहां पे करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, तो हमने यहां पे लिखा है लैग, करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है कितने डिग्री से, तो ये हम आपको डिग्री भी यहां पे बता रहे हैं। यहां पे ये एग्जैक्टली 90 डिग्री से लैग कर रहा है, करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो रूल हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आप प्योर इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो करंट फ्लो होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, और वो करंट वोल्टेज को लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे करंट का इक्वेशन क्या बन गया, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। माइनस क्यों आया, क्योंकि करंट लैग कर रहा है, लैगिंग के लिए हमेशा माइनस यूज करना होता है। यहां पे देखो जो हमने करंट का इक्वेशन लिखे थे इसमें कोई भी टाइप का एंगल नहीं था, इसलिए हमने यहां पर जीरो डिग्री लिख लिए थे। यहां पर क्योंकि करंट और वोल्टेज एक मेक के फेज में है, ठीक है, इसलिए करंट में यहां कोई एंगल नहीं है। लेकिन यहां पर जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं वोल्टेज का जो इक्वेशन है उसमें कोई एंगल नहीं है, लेकिन करंट के इक्वेशन में यहां पर एंगल है माइनस 90। इसका मतलब करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है 90 डिग्री से। तो इसके लिए देखो वोल्टेज ये रहेगा जो इसके पहले था Vm at an angle of zero, यहां पे भी है Vm at an angle of zero, लेकिन जो करंट है देखो करंट में यहां पे चेंज हो गया, इसके पहले करंट था Im at an angle of zero,
ठीक है, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस में था, लेकिन यहां पे प्योर इंडक्टेंस है, तो ये हो गया आई एम एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ 90, ठीक है। यहां पे आपको फेज एंगल मिलता है कितना, 90 डिग्री, और वो लैग कर रहा है इसलिए माइनस, लैगिंग है इसलिए माइनस, ये आप ध्यान में रखो। नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपको लैगिंग और लीडिंग को देख के आपको शो करना होता है। अगर करंट लैग करता है तो नेगेटिव साइन शो करो, और अगर करंट लीड करता है तो आपको पॉजिटिव साइन शो करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने वो आपको बता दिए, और अब इसके थ्रू अगर आपको यहां करंट फाइंड आउट करने का रहा, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला देखो क्या है। करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला आई एम इक्वल टू वी एम बाय एक्सएल, यहां पे करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला था आई एम इक्वल टू वी एम बाय आर, आर इसलिए क्योंकि यहां पे सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस था। ये जो फार्मूला है ये एक्चुअली ओम्स लॉ का फार्मूला है, ओम्स लॉ का फार्मूला आई इक्वल टू वी बाय आर होता है ना, तो वही है आई इक्वल टू दैट इज वी बाय आर, ठीक है। आर जो है इसका यूनिट ओहम है इसलिए यहां पर आर आया, लेकिन यहां पर अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे ये भी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही है, आई एम इक्वल टू वी एम बाय एक्सएल, देखो यहां पर लिखा है एक्सएल, जबकि यहां पे सर्किट में एल था, यहां पे आर है तो हमने सीधा यहां पे आर ले लिए, तो आपके मन में आएगा यहां पे एल है तो यहां पे हमने सिर्फ एल क्यों नहीं लिखे, वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसका यूनिट देखो ओहम नहीं है, इसका यूनिट देखो हेनरी है, जबकि आपको डिनोमिनेटर में हमेशा जो लिखना है उसका यूनिट ओहम होना चाहिए, ठीक है। देखो आर का यूनिट यहां पर ओहम है तो हमने यहां पर ओहम लिखे, ठीक है, यहां पे ओहम होना चाहिए, इसलिए यहां पे आर था इसलिए हमने सीधा उसको आर लिख लिया क्योंकि उसका यूनिट ओहम है, लेकिन एल का यूनिट ओहम नहीं है, एल का यूनिट हेनरी है, तो आप एल यहां पे लिख नहीं सकते, आपको उसको ओहम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ओहम में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहां पे एक्स का यूज किया है, एक्स माने होता है रिएक्टेंस, एक्स माने होता है रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओहम, और यहां पे जो हमने एक्सएल लिखा है, एक्सएल माने ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि एल माने इंडक्टेंस, तो एक्सएल हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो अब ये जो एल जो पहले हेनरी में था अब ये एक्स के वजह से अब ये पूरा ओहम में आ गया, तो ये एक्सएल माने इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका यूनिट रहता है ओहम, ठीक है। तो यहां पर फार्मूला बन गया आई एम इक्वल टू वी एम बाय एक्सएल, ओके समझ गए। लेकिन एक्सएल क्वेश्चन में नंबर ऑफ टाइम्स दिया नहीं होता है, जनरली क्वेश्चन में एल का वैल्यू दिया रहता है, तो एल से आप एक्सएल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको एल से एक्सएल निकालना है तो एक्सएल निकालने के लिए फार्मूला देखो ये है, एक्सएल का फार्मूला दैट इज ओमेगा एल, ओमेगा माने वही जो हमने इसके पहले बताए थे, एंगुलर वेलोसिटी इंटू एल माने इंडक्टेंस, एक्सएल माने क्या कहा था, एक्सएल माने इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका यूनिट ओहम, ठीक है। तो ओमेगा एल, तो ओमेगा का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अगर ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया है तो ओमेगा आपको अलग दूसरे फार्मूले से फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है 2 पाई एफ, एफ माने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्वेश्चन में जनरली दिया होता है, ठीक है। पाई का सिंबल जो है, पाई का सिंबल कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है, आपको उसी का यूज करना है, तो 2 पाई एफ का यूज करके आप ओमेगा निकालेंगे, फिर आप अगर ये ओमेगा का ये वैल्यू अगर आप यहां पे पुट कर लेंगे तो एक्सएल का फार्मूला ऐसा बनता है, दैट इज एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, देखो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ आ गया इंटू एल, तो एक्सएल का फार्मूला यहां पे आपको पता चल गया, एक्सएल का फार्मूला 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो इसका यूनिट रहेगा ओहम, ओके। तो ये हमने एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस में यहां तक स्टडी कर लिए, लेकिन अब हम इसके बाद देखेंगे इसमें यूज होने वाले वेवफॉर्म और इसका फेजर डायग्राम। देखो वेवफॉर्म आपके सामने है, तो जैसा कि हमने कहा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो होगा वो वोल्टेज को लैग करेगा, तो यहां पर देखो जो दो वेवफॉर्म है उसमें जो डार्क वाला जो पहला वेवफॉर्म है वो वोल्टेज का वेवफॉर्म है, देखो ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है, और ये जो डॉटेड वाला जो हमने वेवफॉर्म बनाया है ये करंट का वेवफॉर्म है, ठीक है, ये करंट आई का वेवफॉर्म है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो हमने फिर से जीरो से स्टार्ट किया है, यहां पे भी देखो वोल्टेज का वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन वोल्टेज और करंट दोनों का वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट हो रहा था क्योंकि करंट वोल्टेज को करंट वोल्टेज के फेज में था, इसलिए दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर एक ही पॉइंट पे वो कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर वोल्टेज का वेवफॉर्म जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो जो करंट का वेवफॉर्म है वो आप प्रॉपरली चेक करो, जीरो डिग्री के बाद देखो यहां पर जीरो से यहां देखो यहां से स्टार्ट कर रहा है करंट का वेवफॉर्म, और यहां मतलब 90 डिग्री एंगल के बाद यहां पे करंट का वेवफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, और करंट ने अपना वेवफॉर्म स्टार्ट किया तो अपना वेवफॉर्म वो यहां पे कंप्लीट करेगा। तो अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म में कौन अपना वेवफॉर्म पहले कंप्लीट कर रहा है, तो वोल्टेज और करंट में वोल्टेज अपना वेवफॉर्म पहले कंप्लीट करेगा और उसके बाद करंट अपना वेवफॉर्म कंप्लीट करेगा, ठीक है। पहले वोल्टेज आएगा उसके बाद करंट आएगा, इसका मतलब यह है वोल्टेज पहले है और करंट बाद में है, यानी वोल्टेज आगे चल रहा है करंट पीछे चल रहा है, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट लैग कर रहा है, क्या कहा, करंट लैग कर रहा है, समझ गए। तो ये वेवफॉर्म के थ्रू हमने आपको समझाया कि करंट लैग कर रहा है, या इसको उल्टा बोलो वोल्टेज लीड कर रहा है,
ठीक है। तो इसको अगर फेजर डायग्राम के थ्रू समझे तो देखो फेजर डायग्राम हमने यहां पे ड्रॉ किए हैं, लेकिन यहां पे हमने दो दो फेजर डायग्राम ड्रॉ किए हैं, तो क्या ये दोनों ड्रॉ करना है? नहीं, यहां पे कोई भी एक आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में। यहां पे हम और लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों इसी के यहां पे फेजर डायग्राम है। तो देखो यहां पे फेजर डायग्राम में क्या दिख रहा है, तो यहां पे हमने क्या किया है, रेफरेंस एक्सिस के अलोंग हमने वीएम को लिया है, इट मींस वोल्टेज को लिया है। जैसा हमने यहां पे देखो हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग वोल्टेज को लिए थे, ठीक है, और करंट फेज में था तो उसी के अलोंग हमने करंट शो किया है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग वोल्टेज ले लिए लेकिन करंट वोल्टेज को लैग कर रहे हैं, तो लैग कर रहा है 90 डिग्री से। तो ये देखो इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नीचे हमने यहां पे करंट का यहां पे शो किया है एरो, देखो करंट आईएम, ये करंट आईएम है नीचे, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान में रखो, जब कभी भी लैगिंग होता है, करंट लैग कर रहा है, लैगिंग के टाइम आपको हमेशा क्लॉकवाइज चलना है और लीडिंग के टाइम आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये आप ध्यान में रखो। जो हमने बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय दिक्कत होती है, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय ये बेसिक रूल आपको पता चलना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान में रखो, लैगिंग है तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, लीडिंग है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। देखो यहां पे वोल्टेज जो है वो हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिए और करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, इसका मतलब लैगिंग पोजिशन में है, तो हमें उसको क्लॉकवाइज लेना है। तो देखो हमने ऐसा उसको क्लॉकवाइज लिया है, देखो ऐसा क्लॉकवाइज 90 डिग्री से वो ऐसा लैग कर रहा है, देखो ऐसा 90 डिग्री से क्लॉकवाइज गए हम, ऐसा हमने क्लॉकवाइज गए मतलब ऐसा नीचे गए, कितना 90 डिग्री। तो ये फेजर डायग्राम बन गया। तो आप इसका उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हैं, उल्टा मतलब ये है कि हमने यहां पे वोल्टेज को रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिए थे, तो वोल्टेज को रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लेना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो करंट को भी रेफरेंस के अलोंग ले सकते हैं। तो देखो यहां पर दूसरा फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, उसमें हमने करंट को देखो, करंट को यहां पे रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिया है, तो अगर करंट रेफरेंस एक्सिस के अलोंग है तो हमें वोल्टेज का एरो यहां पे शो करना पड़ेगा। तो हमने जैसा कहा था कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, तो इसका उल्टा वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो अगर वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा है तो लीडिंग पोजिशन के लिए हम यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये देखो यहां पे जो करंट आईएम है ये रेफरेंस एक्सिस के अलोंग है, तो और यहां से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज कितना, तो ये 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो इस तरह से, ये देखो हमने यहां पे शो किया है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से, दैट इज वीएम, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम देख के आप कह सकते हैं कि यहां पर देखो ये फेजर डायग्राम को हम रीड करेंगे जो नीचे वाली है इसको, तो वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, या इसका उल्टा, करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, ठीक है। ये फेजर डायग्राम के भी थ्रू आप ऐसा कह सकते हैं, यहां पे आप ऐसा कह सकते हैं करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, या उल्टा बोलो वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, ठीक है, समझ गए। तो ये था फाइनली एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस, और अब चलते हैं प्योर कैपेसिटेंस की तरफ। तो प्योर कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो प्योर कैपेसिटेंस और प्योर इंडक्टेंस में बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट यहां पर है। प्योर इंडक्टेंस में आपने जो किए थे उसका एग्जैक्टली अपोजिट आपको प्योर कैपेसिटेंस में करना है। इसका मतलब यह है कि प्योर इंडक्टेंस में जैसा हमने कहा था करंट लैग कर रहा था बाय 90 डिग्री, तो इसमें उल्टा रहेगा, करंट लीड करेगा बाय 90 डिग्री, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। तो देखो ये सर्किट आपके सामने है, ये सर्किट में ओनली एक प्योर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को सी से शो करता है और इसका यूनिट रहता है एफ, एफ माने फैराड, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर आप ये प्योर कैपेसिटेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो भी अल्टरनेटिंग रहेगा, और रूल के अकॉर्डिंग ये करंट वोल्टेज को लीड करेगा बाय 90 डिग्री। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा, तो देखो स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, इफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर कैपेसिटेंस, देन द रिजल्टिंग करंट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग एंड इट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्या कहा, लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो हम यहां पे लिख के देते हैं लीड्स, ठीक है, यहां पे लीड कर रहे हैं, करंट वोल्टेज को लीड कर रहे हैं बाय 90 डिग्री। ये हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी प्योर कैपेसिटेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा वो करंट वोल्टेज को लीड करेगा बाय 90 डिग्री, इट मींस बाय पाई बाय 2, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिए, तो इसके लिए वोल्टेज और करंट का इक्वेशन, तो देखो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन, ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, यहां पे क्या चेंजेस है, देखो इसके पहले का अल्टरनेटिंग करंट और ये अल्टरनेटिंग करंट में आपको सिर्फ एक छोटा सा चेंज आपको दिखाई देगा, यहां पे निगेटिव था
तो यहां पे देखो पॉजिटिव है, यहां पे करंट लैग कर रहा था बाय 90, तो यहां पे करंट लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, इसलिए हमने यहां पे लिखा है पॉजिटिव। लीडिंग के लिए आपको पॉजिटिव शो करना है, ठीक है। तो यहां पे वोल्टेज और करंट का फॉर्म किस तरह से रहेगा, तो देखो वोल्टेज का फॉर्म ऐसा रहेगा वीएम एट एन एंगल ऑफ जीरो, जो इसके पहले भी था और स्टार्टिंग में भी था, क्योंकि वीएम में कोई भी टाइप का एंगल नहीं है। लेकिन करंट के लिए यहां पर देखो इक्वेशन आई, यहां पर ऐसा फॉर्म रहेगा आई एम एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहां पे था आई एम एट एन एंगल ऑफ -90, माइनस इसलिए क्योंकि करंट लैग कर रहा था, लेकिन यहां पे प्लस 90 डिग्री है क्योंकि करंट यहां पे लीड कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव में है, ठीक है। और यहां पे करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, देखो करंट का फार्मूला यहां पे आई एम इक्वल्स टू वी एम बाय एक्ससी, जबकि इसके पहले था आई एम इक्वल्स टू वी एम बाय एक्सएल। हमने यहां पे एक्सएल क्यों लिए थे उसका रीजन हमने आपको यहां बताए थे, चलो यहां पे भी बिल्कुल उसी तरह से है, यहां पे एक्ससी क्यों लिए है उसका रीजन हम आपको बताते हैं। जबकि यहां पे देखो सर्किट में ओनली सी दिया है, तो आपके मन में आएगा कि यहां पे सी क्यों नहीं आया, सी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सी का यूनिट ओहम नहीं है। देखो सी का यूनिट क्या है, एफ, एफ माने फेरेड, जबकि यहां पे आपको डिनोमिनेटर में जो लिखना होता है उसका यूनिट ओहम होना चाहिए, तो यूनिट ओहम करने के लिए यहां पे हमने अगेन एक्स का यूज किया है, एक्स माने रिएक्टेंस जिसका यूनिट होता है ओहम, तो ये सी से हमने सी को हमने एक्ससी बना दिए, सी को हमने एक्ससी बना दिए, इट मींस फेरेड को हमने अब ओहम बना दिए, तो ये हो गया एक्ससी, इट मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये एक्सएल इट मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस, एल लगा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो सी लगा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो अब ये एक्ससी का यूनिट हो गया ओहम, तो यहां पे फार्मूला बन गया आई एम इक्वल्स टू वी एम बाय एक्ससी, ठीक है। और यहां पे एक्ससी अगर फाइंड आउट करना है तो एक्ससी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ये रहेगा 1 बाय ओमेगा सी, जबकि यहां पे एक्सएल फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा एल था, ओनली ओमेगा एल, लेकिन यहां पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है 1 बाय ओमेगा सी, और ओमेगा का वैल्यू अगर आपको पुट करना है ओमेगा वही रहेगा 2 पाई एफ, तो ओमेगा अगर आप यहां पे पुट कर लेंगे तो एक्ससी का फार्मूला बन गया 1 बाय 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो ये रहेगा एक्ससी, इट मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला, ठीक है। तो ये हमने आपको प्योर कैपेसिटेंस में बता दिए, लेकिन अब इसमें देखते हैं कि वेवफॉर्म किस टाइप से रहेगा और फेजर डायग्राम किस टाइप से रहेगा। तो वेवफॉर्म जो है, जो इसके पहले हमने प्योर इंडक्टेंस में स्टडी किए थे, उसका एग्जैक्टली अपोजिट यहां पे है। एग्जैक्टली अपोजिट का क्या मतलब है, तो देखो यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, वोल्टेज का वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट हो रहा था और उसके 90 डिग्री के बाद में, 90 डिग्री के बाद में करंट का वेवफॉर्म स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे वोल्टेज का वेवफॉर्म तो 0 डिग्री से ही स्टार्ट हो रहा है, देखो 0 डिग्री यहां पे है, वोल्टेज का वेवफॉर्म तो 0 डिग्री से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन करंट का वेवफॉर्म जो है वो वोल्टेज के 90 डिग्री पहले से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो ये करंट का वेवफॉर्म है, यहां पर हम लिख लेंगे करंट आई का, ठीक है। तो यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं, जो जो डॉटेड वाला जो हमने वेवफॉर्म बनाया है वो करंट का वेवफॉर्म है, तो वो देखो 90 डिग्री पहले से ही वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पे 90 डिग्री के बाद स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहां पे 90 डिग्री के पहले ही वो स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पे जब ये वेवफॉर्म कंप्लीट होगा, तो पहले कौन सा वेवफॉर्म कंप्लीट होगा, तो यहां पे देखो वोल्टेज जो है, वोल्टेज का वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे वो कंप्लीट हो रहा है, और करंट का वेवफॉर्म उसके 90 डिग्री पहले से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पे करंट का वेवफॉर्म पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद वोल्टेज का वेवफॉर्म कंप्लीट होगा। इसका मतलब करंट आगे है, करंट का वेवफॉर्म आगे चल रहा है, वोल्टेज का वेवफॉर्म पीछे चल रहा है। इसका मतलब करंट यहां पे वोल्टेज को लीड कर रहा है, तो वोल्टेज करंट को यहां लैग कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको फेजर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो फेजर डायग्राम देखो, यहां पे हमने फिर से दो दो फेजर डायग्राम बनाए हैं, जैसे इसके पहले हमने ड्रॉ किए थे, तो यहां पे दो बनाए हैं, दोनों में से कोई भी एक आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, तो यहां पे हम लिख लेंगे और, ठीक है, दोनों में से एक आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। तो देखो आपको दोनों में से कौन सा ड्रॉ करना है, ये चॉइस आपका है। उसके लिए आपको रेफरेंस एक्सिस में किसको लेना है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। अगर आप रेफरेंस एक्सिस के अलोंग अगर आप वोल्टेज को लेंगे, देखो पहले फेजर डायग्राम के अगर आप तरफ ध्यान देंगे, तो देखो हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग किसको लिया है, वोल्टेज को लिए है, तो यहां पे वोल्टेज को रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिए है, तो करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, तो लीडिंग पोजिशन में है, तो हमने क्या कहा था, लीडिंग पोजिशन के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो देखो यहां पर करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, देखो हमने एंटी क्लॉकवाइज ऐसा किया, देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा उल्टा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज किया है, कितना 90 डिग्री, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हमने यहां पे शो किया है, ठीक है। वोल्टेज को रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिए, तो और नीचे वाला जो डायग्राम है उसको अगर आप देखें, तो यहां पे करंट को हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिए है, तो करंट को अगर आप रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लेंगे, तो वोल्टेज को अगर शो करना है, तो वोल्टेज यहां लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री। वोल्टेज अगर लैग कर रहा है, तो लैगिंग के लिए आपको क्लॉकवाइज चलना है, ऐसा नीचे, ठीक है। तो यहां पर देखो वोल्टेज को शो करने के लिए हमने ऐसा क्लॉकवाइज गए बाय 90 डिग्री। तो देखो हमने यहां पे
VM दैट इज वोल्टेज का एरो शो किया है जो कि यहां पे 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो यहां पे अब हम ये दोनों फेजर डायग्राम के थ्रू ऐसा कह सकते हैं, देखो पहले फेजर डायग्राम के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, या उल्टा वोल्टेज करंट को लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री। यहां पे भी आप दूसरे फेजर डायग्राम से भी आप यही स्टेटमेंट कह सकते हैं कि यहां पे वोल्टेज करंट को लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, या उल्टा बोलो करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से फाइनली हमने ये एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस भी स्टडी कर लिए। तो फाइनली ये तीनों बेसिक एसी सर्किट्स हमने स्टडी कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों में हमने जो कुछ भी बताया है वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में लिख के रखना चाहिए। इसमें हमने काफी सारे फार्मूलेज भी स्टडी किए हैं। ये तीनों सर्किट्स की अगर आपको जानकारी है तो इसके आने वाले वीडियोस में जो हम सीरीज एसी सर्किट स्टडी करने वाले हैं वो भी आपको 101% समझ में आ जाएगा, जिसमें हमें सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट स्टडी करना है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके थ्रू आपको यह समझ में आएगा कि करंट लीड कब करता है, लैग कब करता है, किस तरह से फेज एंगल फाइ फाइंड आउट करता है और उसका किस तरह से फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो आपको वहां पे समझ में आएगा। उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल भी आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था आज का एसी सर्किट का लेक्चर नंबर 3। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।